JEE UET एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो JEE को भी क्रॉस कर चुका है। 2023 के अंदर 16 से 19 लाख बच्चों ने CUET के लिए अप्लाई किया था एंड 2024 के लिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर और भी ज्यादा राइज करने वाला है। 2022 से 23 की कंपैरिजन में डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है एंड 2023 से 24 के अंदर ये डिफिकल्टी लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो क्या हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि CUET की प्रिपरेशन हम अभी से ही स्टार्ट कर लें? बट ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि भाई मैं अपनी CUET की प्रेपरेशन, जिसके अंदर डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, उसी के साथ साथ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ेंगे, जो इतना बड़ा एग्जामिनेशन आप सभी के लिए है, इसकी प्रेपरेशन मैं कब करूंगा? एक महीने के अंदर। ये कौन सा महीना होता है? ये होता है आप सभी के बोर्ड्स के बाद का वो महीना जो आप सभी को दिया जाता है आपकी CUET प्रेपरेशन करने के लिए। मतलब अप्रैल महीने के अंदर मैं अपनी CUET की प्रेपरेशन करूंगा। नाउ ये जो 30 दिन होते ना गाइस आप सभी के अप्रैल के, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशरफुल मंथ्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप सभी को अपनी डोमेन्स की प्रिपरेशन करनी है, उसी के साथ साथ डोमेन्स रिवाइज भी करने हैं, लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन करनी है, उसका रिवीजन भी करना है, GT की भी प्रिपरेशन करनी है, जिसका इतना बड़ा सिलेबस है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, अच्छे से GT की प्रिपरेशन नहीं कर पाते, उसकी प्रिपरेशन भी इसी एक महीने के अंदर करनी है एंड उसका रिवीजन भी आपको इसी एक महीने के अंदर करना है। तो ये समझो कि ये तीन सब्जेक्ट्स की आप सभी को सिर्फ एक महीने के अंदर प्रिपरेशन भी और रिवीजन करना बहुत प्रेशरफुल बन जाता है। एंड एक चीज याद रखना, जो स्ट्रेटजी मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं, अगर तुम लोगों ने उसे ध्यान से फॉलो किया तो अप्रैल के महीने में तुम सभी स्टूडेंट्स, तुम सभी बच्चे आगे जाके अप्रैल महीने में प्रिपरेशन नहीं बट रिवीजन पे फोकस करोगे एंड CUET क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेज में जा रहे होगे। तो इसलिए मैं तुम्हें बोलना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपनी CUET की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। कैसे करना है ये मैं आगे आप सभी को अभी बताने वाला हूं। प्लीज इस चीज के बारे में गलती से भी मत सोचना कि मैं सिर्फ बोर्ड्स में प्रिपरेशन करूंगा एंड CUET की प्रिपरेशन मैं अप्रैल महीने के अंदर कर रहा हूं, अभी से ही हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नाउ गाइस, अगर हम लोग सबसे पहले अपनी टाइमलाइन को समझे, देखो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम बचा है। टाइमलाइन को अगर हम देखें तो सितंबर महीने के अंदर आप में से ज्यादातर बच्चों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे होंगे, तो हम सितंबर के अंदर अपने अच्छे से हाफ ईयरली के पेपर देते हैं। CUET के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अक्टूबर एंड नवंबर के ये वो दो महीने होते हैं, जो मैंने अपनी रोडमैप वाली वीडियो में भी बात करी थी, ये वो दो महीने होते हैं जो आप ये मान के चलो कि प्रेशरफुल वाले महीने नहीं होते, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स के अंदर इन दोनों महीने में आपके एग्जामिनेशन नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जाम्पल प्रीबोर्ड टाइप एग्जामिनेशन नहीं हो रहे होते। दिसंबर का जो महीना होता है यहां पे आपके प्रीबोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जनवरी का महीना आप सभी का एकदम खाली महीना होता है जहां पे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बोर्ड्स के लिए, एंड फरवरी एंड मार्च का वो महीना होता है जहां पे आप सभी के बोर्ड मंथ कहलाए जाते हैं, आप सभी के बोर्ड की प्रिपरेशन यहां पे चल रही होती है। तो अगर हम इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर एंड जनवरी का मंथ बचेगा अपनी CUET की अच्छी प्रिपरेशन करने में। मतलब आपके पास 90 डेज बचेंगे CUET की प्रिपरेशन करने में। एंड एक चीज मैं आप सभी को अच्छे से बता देता हूं कि ये 90 डेज आपके पास होंगे जिनमें आप लोग अपनी CUET की 100% प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। नाउ गाइस, अब आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि आपके पास कितना टाइम बचा है CUET की प्रेप के लिए। नाउ हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम भी समझना पड़ेगा कि कितना टाइम हमें बोर्ड्स को देना चाहिए एंड कितना आइडियल टाइम हमें अपनी CUET की प्रेप को देना चाहिए। नाउ गाइस, ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है मैं इसको दो चीज में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहला मेजर टाइम एंड सेकंड हो जाता है आप सभी का माइनर टाइम। नाउ आई होप गाइस एटलीस्ट आप लोग दिन के अंदर 6 आवर्स, देखो 24 घंटे में से एटलीस्ट आप लोग 6 आवर्स से यूटिलाइज कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर नहीं भी कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 आवर्स तो आप लोग गाइस पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। और 6 आवर्स का मतलब ये नहीं कि बैठ के बस किताबें देखे जा रहे हो, बट ये वो 6 आवर्स होने चाहिए जिनमें से आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा हो। सो यहां पे मेजर का मतलब कि आउट ऑफ दिस 6 आवर्स, अगर आपका ज्यादा टाइम आप लोगों की सिटिंग है तो उस हिसाब से आप लोग मेजर माइनर का टाइम भी इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। मेजर में क्या करना है, आप सभी को अपने बोर्ड की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। मतलब मेजोरिटी टाइम आपका होना चाहिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। मतलब 4 to 5 आवर्स आप सभी को देने हैं अपनी अच्छे से अच्छे बोर्ड की प्रिपरेशन करने में। अगर गाइस आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे अच्छी बोर्ड की प्रिपरेशन करूं तो ये वीडियो आप लोग जाके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम अच्छी से अच्छी परसेंटेज अभी से ला सकते हैं बोर्ड्स के अंदर। फिर आप सभी को अपना माइनर टाइम देना है CUET की प्रिपरेशन के लिए, जो होगा आप सभी का दिन में मात्र 1 आवर to 2 आवर्स की प्रिपरेशन।
एंड ये तीन चीजें आप सभी स्टूडेंट्स याद रखिए अपना सीयूटी क्रैक करने के लिए। सबसे पहला स्टार्ट अर्ली, गाइस ज्यादातर बच्चे अपनी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करेंगे एंड पछताएंगे, जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया, क्योंकि वो महीना होगा आप सभी का सबसे प्रेशरफुल मंथ। तो आप सभी को क्या करना है, स्टार्ट अर्ली मतलब स्टार्ट नाउ। सेकेंड होगा आप सभी का कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना। देखिए गाइस आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, लंबे लंबे हमें आंसर्स लिखने हैं, तो हम लोग ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन करते हैं एंड पॉइंट्स याद कर लेते हैं, हमारा काम बन जाता है। बट हमारा जो सीईटी एग्जामिनेशन है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, एमसीक्यू ओरिएंटेड एग्जामिनेशन। तो आप सभी को अंदर तक एनसीईआरटी की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर नहीं बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये तो अगर आप लोगों ने कर लिए तो 70% मार्क्स आप सभी के सीईटी के अंदर आराम से आ जाएंगे। बट ये दो करने के बाद 70%, बाकी वो 30% क्या है, 30% आ जाता है प्रैक्टिस। आप सभी को मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों को आदत है लंबे लंबे आंसर लिखने की, तो बोर्ड के लिए ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की आप सभी को आदत नहीं होती। अब आप बोल सकते हो कि भाई एमसीक्यू में क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कोई भी एक सही आंसर मैं ढूंढ लूंगा। देखो गाइस ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, एनटीए आपको एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो जेईई नीट का भी कंडक्ट कराता है। एनटीए कोई बेवकूफ एजेंसी नहीं है कि वो आपके लिए इतना इजी पेपर बना देगा कि इजीली आप लोग गेस कर पाओ कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। चार ऑप्शन में से कई बार आपको लगेगा कि यार तीन आंसर सही है, चार ऑप्शन में से ज्यादातर आपको लगेगा कि यार ये दो ऑप्शन आप लोगों के लिए सही है। तो प्लीज एमसीक्यूज को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, वरना आप लोगों के लिए परेशानी बन जाएगी। तो अगर आपको 100% स्कोर करना है सीयूटी के अंदर, तो आप सभी को अपनी प्रैक्टिस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा एंड आप सभी को मॉक टेस्ट सॉल्व करने पड़ेंगे। सो आई होप गाइस अब आप सभी को ये समझ आ गया होगा कि हमारा टाइमलाइन क्या है, अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करना है एंड कि वो तीन टिप्स हमेशा याद रखना है यार, वो बहुत अवेलेबल टिप्स आप सभी के लिए रहने वाली है। नाउ हमारी फर्दर प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए। नाउ गाइस आप सभी की जहां तक बात है सीयूईटी डोमेन्स की प्रिपरेशन, ये आप सभी के साथ साथ कंप्लीट हो रही होगी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन के साथ। नाउ एक चीज जो मैं अपनी पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूं, एनसीईआरटी के अंदर आप सभी को डीप डाइव करना पड़ेगा अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डोंट जस्ट फ्लोट, गो इन डेप्थ ऑफ एनसीईआरटी टू क्लियर योर ऑल कॉन्सेप्ट्स। आप सभी को फोकस करना है कि यार मैं अपनी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करूंगा, जिससे कोई भी ऐसी लाइन मेरे से ना छूट जाए जिसके ऊपर मेरा सीयूटी के अंदर कोई एमसीक्यू बन जाए और मुझे पता ही ना चले। तो आप सभी को इस समय पे वन शॉट वीडियोज बिल्कुल नहीं देखनी है, आप सभी को फोकस कर रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की अच्छे से लाइन बाय लाइन रीडिंग पे, जो क्या करेगा आप सभी के डोमेन्स की प्रिपरेशन कंप्लीट करवा देगा। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने न्यू व्यूअर्स को भी देना चाहूंगा कि गाइस इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्या बोला मैंने, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एंड एनालाइज्ड वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं आप सभी के हर एक एक सब्जेक्ट्स की बोर्ड्स के लिए एंड सीयूटी के लिए बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए, जो हेल्प करेगा एक एवरेज बच्चे को अपनी बिल्कुल बेस्ट एंड टॉपर लेवल प्रिपरेशन करने में। उसी के साथ साथ गाइस इस चैनल के ऊपर मैं डील करने वाला हूं आप सभी के डे टू डे प्रॉब्लम्स को लेके। आप में से कई बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल कि भाई मैं अपनी स्टडी के दौरान बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फेस करनी पड़ती है, मैं बहुत ज्यादा मोबाइल एडिक्शन की तरफ जाता जा रहा हूं, मैं बहुत अच्छे नोट्स नहीं बना पा रहा हूं। तो आप सभी की बहुत सारी डे टू डे प्रॉब्लम्स को भी इस चैनल के ऊपर सिर्फ डील नहीं किया जाएगा बट सॉल्व भी किया जाएगा। सो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि अपनी सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियोस, उसी के साथ साथ अपनी डे टू डे प्रॉब्लम के सोल्यूशन पाने के लिए प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट दी क्वालिटी कंटेंट। सो डोमेन्स की प्रिपरेशन तो हमारी बोर्ड्स के साथ साथ चल रही होगी, लेकिन भाई जो हमारे बाकी जो दो सब्जेक्ट बचते हैं, सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन एंड हमारी जीटी की प्रिपरेशन, इन दोनों का जो बेसिकली हमारा सिलेबस है ना, ये बिल्कुल भी मैच नहीं करता है हमारी ट्वेल्थ के सिलेबस के साथ। इन दोनों के लिए आप सभी को बिल्कुल सेपरेट प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो आप लोग अप्रैल के महीने में एक बार के अंदर नहीं कर सकते, अभी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। नाउ जो मैंने माइनर टाइम आप सभी को बोला है, इस माइनर टाइम के अंदर आप सभी को गाइस फोकस करना है अपनी लैंग्वेज एंड जीटी की प्रिपरेशन में। क्या ब्रो हमें साथ साथ दोनों की प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल नहीं, नहीं कि एक घंटे में से आधा घंटा मैं लैंग्वेज को दूंगा, आधा घंटा मैं जीटी को दूंगा, कुछ कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप सभी को क्या करना है, जो मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, देखो ये जो वीक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये मैंने पिछले साल कई हजारों बच्चों को बोला था जो उन्होंने फॉलो किया, लाइक आई हैव पर्सनली मेंटोर्ड थाउजेंड्स ऑफ सीटी एस्पिरेंट्स इन 2023, उन लोगों को मैंने ये वीक का प्लान बताया था जो उन्होंने फॉलो किया एंड उन लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ये चीज मैं तुम्हें भी बता रहा हूं, अच्छे से इसको एक बार फॉलो कर रहे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक हफ्ते में 7 डेज होते हैं, आउट ऑफ दीज 7 डेज फोकस ऑन
5 डेज, ये जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हैं, इन 5 दिन गाइस आप सभी को सिर्फ 1 घंटा देना है अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन में। इंग्लिश की प्रिपरेशन में आपको क्या पढ़ना है, आप सभी को एप्टीट्यूड एंड ग्रामर का पोर्शन कवर करना है। कैसे करना है ये मैं अभी आगे आप सभी को बताता हूं। इसके बाद आप सभी के जो वीकेंड्स का टाइम बचता है सैटरडे एंड संडे, इनमें आप सभी को 2-2 घंटे देने हैं अपनी जीटी के प्रिपरेशन में। जीटी की प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, मतलब मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, एंड थर्ड आप सभी को करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में क्या आ जाता है, स्टैटिक पार्ट एंड डायनामिक पार्ट। नाउ ये तीनों क्या कैसे कवर करना है ये मैं आगे आप सभी को बताता हूं। नाउ लास्ट में अब आप सभी का वो प्रॉब्लम मैं डील कर लेता हूं, कैसे हमें इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें जीटी की प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है। नाउ इस चीज के लिए एक वीडियो में तो कवर थोड़ा मुश्किल होगा, बट मैं 3 वीडियोस इस समय पे आप सभी को सजेस्ट करूंगा देखने के लिए। मेरी बात मान के, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इन 3 वीडियोस को आप सभी को देखना है। ये तीनों वीडियोस पे गाइस मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था बच्चों का, बहुत ही सारे बच्चों की इन तीनों वीडियोस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। ये तीनों वीडियोस कौन सी, इनका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने जो मैंने इसके अंदर बताया मटेरियल दिया, उसको सॉल्व किया, उसको प्रैक्टिस किया, एंड कई सारे बच्चों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। ये वीडियो, ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो, इन तीनों के जो लिंक्स हैं ये मैंने कमेंट में भी दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, ऊपर भी आप सभी को मिल जाएंगे, तीनों जगहों पे दे दिए हैं। एक बार आप लोग इन तीनों वीडियोस के जाकर देख लोगे तो आपको करंट अफेयर्स का भी समझ आ जाएगा, जीटी का भी क्लियर हो जाएगा, इंग्लिश की भी आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। मेरे कहने पर ये तीनों वीडियोस को जाकर जरूर देख लेना। आप सभी याद रखेगा सीयूटी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन है, इसकी प्रिपरेशन सभी बच्चे कर रहे होंगे, बट एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, सीयूटी इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। इसी नोट पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।